नमस्कार, सिल्क टीवी देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ विकास कुमार। आइए फटाफट अंदाज में करते हैं खबरों की शुरुआत। भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार से की मुलाकात। सूत्रों के मुताबिक सीट शेयरिंग को लेकर हुई चर्चा। जेपी नड्डा के साथ भाजपा के कई नेता रहे मौजूद। नड्डा ने राज्य व केंद्र सरकार की योजनाओं से लाभान्वित लोगों को पार्टी से जोड़ने की कही बात। बिहार झारखंड के दौरे पर आए नगर विमानन मंत्री हरदीप सिंह पुरी पहुंचे दरभंगा। हवाई अड्डा परिसर का किया निरीक्षण। नवंबर में हवाई सेवा चालू होने की कही बात। एक बार फिर भावुक भरे शब्दों से रघुवंश प्रसाद ने लिखी चिट्ठी। कहा महापुरुषों की जगह एक ही परिवार के 5 लोगों की छपने लगी है फोटो। मुजफ्फरपुर के मानिकपुर में भाजपा अध्यक्ष जेपी नड्डा ने किसानों से किया संवाद। हर संभव साथ खड़ा रहने का किसानों को दिया भरोसा। केंद्र सरकार द्वारा जारी सूची में स्टार्टअप इंडिया में पहले पायदान पर बिहार, दूसरे नंबर पर केरल तो वहीं तीसरे पायदान पर महाराष्ट्र। बिहार में महागठबंधन को लगा बड़ा झटका। कांग्रेस के 2 विधायक समेत राजद नेता भोला राय ने जदयू का थामा दामन। स्वामी अग्निवेश के निधन पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने जताया दुख। कहा सामाजिक मुद्दों पर खुलकर बोलते थे अग्निवेश। कांग्रेस नेता शक्ति सिंह गोहिल ने लगाया आरोप। कहा राज्य में भाजपा जदयू की सरकार हर मोर्चे पर विफल। महाराष्ट्र के पूर्व मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का बयान। कहा लोजपा से नहीं कोई मतभेद, मिलकर बैठकर सुलझा लिया जाएगा मसला। बिहार में भी संजय राउत पर फूटा लोगों का गुस्सा। शिवसेना नेता और उद्धव ठाकरे के खिलाफ केस कराया दर्ज। एक बार फिर बिगड़ी रघुवंश प्रसाद की तबीयत। वेंटिलेटर सपोर्ट की पड़ी जरूरत। डॉक्टरों ने जल्द स्वास्थ्य में सुधार की जताई संभावना। भागलपुर हबीबपुर थाने के ड्राइवर की हत्या का हुआ खुलासा। जब्त बाइक में तेल भराने जा रहे शेख अफसार को मारी गई थी गोली। अफसार को गोली मारकर जब्त बाइक लेकर फरार हुए थे बदमाश। वारदात के घंटों बाद कजरेली पुलिस ने शव किया था बरामद। 2016 में भी हबीबपुर थाने के ड्राइवर की हुई थी हत्या। उसके बाद भी हबीबपुर थाने ने नहीं सीखा सबक। थाने में प्राइवेट ड्राइवर रखने पर मुख्यालय ने लगा रखी है रोक। उसके बाद भी 8 माह से हबीबपुर में ड्राइवर था अफसार। पुलिस की लापरवाही ने ली शेख अफसार की जान। पुलिस गश्ती दल ने अफसार को छोड़ा था अकेला। भागलपुर मायागंज अस्पताल में शुक्रवार को 9 घंटे के भीतर 2 कोरोना मरीज की हुई मौत। जमुई के 68 वर्षीय बुजुर्ग तो वहीं भागलपुर शहर की 62 वर्षीय महिला ने तोड़ा दम। शुक्रवार को जिले में 90 कोरोना मरीज की हुई पुष्टि। कोरोना की चपेट में आए शहर के 5 लोग। जिले में अब तक 81 लोगों ने कोरोना से गंवाई है जान। जांच किट की कमी से शहर में नहीं हो पा रहा है अधिक लोगों की जांच। मायागंज अस्पताल में कोरोना मरीज को निःशुल्क दिया जाएगा प्लाज्मा, जबकि पटना एम्स में प्लाज्मा चढ़ाने के लिए जाते हैं 22,000 रुपये। मायागंज अस्पताल में प्लाज्मा दान करने वालों का सिलसिला जारी। शुक्रवार को सफाई कर्मचारी और टेक्नीशियन ने डोनेट किया प्लाज्मा। भागलपुर में 4 केंद्रों पर होगी बीएड की परीक्षा। भागलपुर सहित बांका, मुंगेर, लखीसराय और खगड़िया के परीक्षार्थी होंगे शामिल। 28 सितंबर से 12 अक्टूबर तक आयोजित की जाएगी परीक्षा। टीएनबी मारवाड़ी, बीएन कॉलेज सहित महादेव सिंह कॉलेज को बनाया गया है परीक्षा केंद्र। भागलपुर सदर अस्पताल में डॉक्टरों की कमी से लोग परेशान। दूर दराज गांव से आए मरीजों को करना पड़ता है परेशानियों का सामना। बहरहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए सिल्क टीवी। अपने आसपास की खबरों को देखने के लिए सिल्क टीवी को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए और फेसबुक पर पेज को फॉलो जरूर करें।